तो अभी के जो आपने इस वाटर पंप का प्रेशर देखा एंड जो प्रेशर सच में काफी ज्यादा कमाल, क्योंकि हमने इसकी जो वाइंडिंग है वो खुद करी है, इसका प्रेशर कितना ज्यादा दूर तक जा रहा है। हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रज्वल। तो गाइज, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जो है खराब 555 मोटर को 10 रुपए के अंदर उसकी दोबारा वाइंडिंग करके काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, काफी ज्यादा हाई आरपीएम वाला मतलब बना दिया था। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी मोटर का यूज करके काफी तगड़ा वाटर पंप बनाने वाले हैं, काफी ज्यादा पावरफुल वाटर पंप बनाने वाले हैं। देखने वाले हैं उसका जो प्रेशर होता है वो कितना ज्यादा तेज होता है, मतलब कितना ज्यादा दूर तक वो पानी फेंकता है। काफी मजा आने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो देख के अगर जरा सा भी मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो तभी देख पाओगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलो आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे गए जो मैं एक पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा ले रहा हूँ, और ये जो है मैंने गए जो 30 mm की पाइप के अंदर से कट करा है, एंड इसकी जो लेंथ है वो जो है यहाँ पे मैं अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। एंड अभी हम गए क्या करेंगे कि इस पाइप के टुकड़े को हम जो एक साइड से बंद करेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से किसी साइड से भी कर लो। एंड हम जो है बंद करने के लिए यहाँ पे यूज करने वाले पीवीसी पाइप की शीट को। तो पीवीसी पाइप की शीट को बनाना काफी ज्यादा इजी, आपको क्या करना, कोई भी पाइप लेनी है उसको आपको बीच में से कट करना है, एंड फिर उसके बाद हीट गन के द्वारा या फिर जो है चूल्हे के ऊपर आपको उसको हीट करके शीट बना लेनी है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप की शीट बना ली है, एंड अभी हम गए जो इसको जो है इस पाइप को इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड रखने के बाद यहाँ पे हम जो है सुपर ग्लू डाल के एंड फिर गए जो है साइड साइड से हम जो है बाद में एक्स्ट्रा जो है वो हम कट कर देंगे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का गैस हमें जो है यहाँ पे बना लेना ये। और अभी हम गैस क्या करेंगे कि इसका ये जो पीछे हमने ये जो शीट लगाई है मतलब ढक्कन लगाया, इसका गैस जो है हम सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। तो अभी हम गैस जो इस सेंटर पॉइंट के गैस जो है अंदर यहाँ पे एक होल करेंगे, एंड जो होल है उसका जो साइज है वो हमें यहाँ पे जो हमारी 555 जो मोटर होती है उसका गैस ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस साइज का हमें जो है यहाँ पे होल करना है। एंड ये जो मोटर है मेरे पास एक खराब मोटर पड़ी हुई थी 555, तो आप जो नई वाली मोटर भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास कोई खराब 555 मोटर पड़ी हुई है तो उसको आप मात्र 10 रुपए के अंदर जो है ठीक कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस मोटर को अगर सही करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास 555 खराब मोटर पड़ी है तो, अगर उसकी वाइंडिंग खराब है तो। यहाँ पे मेरे पास जो है खराब वाइंडिंग वाली मोटर पड़ी हुई थी, तो वाइंडिंग मैंने इसकी चेंज कर दिया, एंड इसकी जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा हाई आरपीएम इसके हो चुके हैं। तो चलो यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट के साइज का यहाँ पे हम एक होल बना लेते हैं, एंड इसके अंदर जो है यहाँ पे फिट कर देंगे फिर बाद में हम मोटर को। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने जो कुछ इस टाइप से यहाँ पे होल बना लिया, एंड साइड साइड में जो यहाँ पे मेजरमेंट करके यहाँ पे जो मोटर के साइड साइड में यहाँ पे जो दो है होल है स्क्रू लगाने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे मैंने दो होल बना लिए। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी कर लेना है। एंड अभी हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे नहीं, हम यहाँ पे जो इसके बीच में रबड़ भी लगाने वाले हैं, तो ऐसे लगा देंगे तो लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हम जो है यहाँ पे एक रबड़ का टुकड़ा लगा देंगे, तो आप यहाँ पे इसकी जगह साइकिल की जो ट्यूब होती है उसका भी यहाँ पे पीस कट करके लगा सकते हो, साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे इजीली आपको वो मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अच्छे से सुपर ग्लू डाल के इस रबड़ के पीस को अच्छे से चिपका देते हैं। अभी गई हम जो इस हमारे वाटर पंप का गई जो अंदर का जो इंपेलर होता है वो बनाने वाले हैं। तो इंपेलर बनाने के लिए गया यहाँ पे गई मैंने एक पीवीसी पाइप की शीट बना के एक यहाँ पे छोटा सा पीस कट करा है, और इसका जो साइज है वो इस पाइप के जो है साइज मतलब अंदर के जो साइज है उसके बराबर है। तो आपको ऐसा पीस कट करना है जो इसके अंदर जो फ्रीली मूव कर सके। अभी हम इसको जो है इंपेलर बनाने के लिए यहाँ पे जो है इसके ऊपर छोटे छोटे जो है पीस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप की जो पाइप से यहाँ पे छोटे छोटे पीस कट कर लिए, और यहाँ पे हम 3 ही लगाने वाले जिससे हमारी मोटर के ऊपर जो मतलब जोर है वो कम पड़ेगा, जिससे जो काफी ज्यादा प्रेशर हमें मिलने वाला है। तो 3 हम यहाँ पे लगा देंगे, एंड लगाने से पहले हम यहाँ पे जो है इसके ऊपर मार्किंग आप कर लेनी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है, तो इसके ऊपर हल्का हल्का से ऐसे घिस लेंगे, जिससे गैस जो है पानी के प्रेशर से गैस जो है यहाँ पे ये जो पीसेज हम लगाने वाले हैं ये टूटेंगे नहीं, तो इसका ये फायदा होगा। तो चलो यहाँ पे घिस लेते हैं एंड सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका लेते हैं।
फाइनली गाइस यहाँ पे इम्पेलर बन चुका है एंड अभी हम जो इसको इसके अंदर फिट करेंगे। बट उससे पहले गाइस जो यहाँ पे हम जो साइड में एक पाइप का टुकड़ा लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पेन की बॉडी से यहाँ पे एक जो पीस कट कर लिया एंड इसको जो आगे से टेढ़ा कट कर दिया, ठीक है। एंड फिर गाइस जो इसके ऊपर मैंने सैंड पेपर रख के ऐसे पाइप के ऊपर ऐसे ऐसे घर दिया, तो ये ऐसा इसका शेप बन गया। एंड अभी हम इसको जो यहाँ पे पाइप के साइड में लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें जो यहाँ पे उससे पहले हमें जो यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस जो इम्पेलर फिट हो चुका है, तो अभी गाइस हम जो इसको आगे से भी बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप की शीट बना के टुकड़ा कट कर लिया, तो इसको हम जो यहाँ पे लगा देंगे एंड सुपर ग्लू के द्वारा हम जो अच्छे से इसको चिपका देंगे। और अभी हम गाइस क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो ढक्कन लगाया है इसके ऊपर जो यहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा लगा देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चिपका लेते हैं। एंड ये भी गाइस जो मैंने पेन की बॉडी से कट करा है, तो चलो यहाँ पे चिपका लेते हैं इसको भी। तो फाइनली ये गई हमारा होममेड पावरफुल वाटर पंप बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो चलो अभी गई हम इसको जो यहाँ पे लकड़ी के पीस के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक मोटा लकड़ी का पीस ले रहा हूँ जिसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हम जो है इसके ऊपर कुछ इस टाइप से लगा देंगे। और लगाने के लिए यहाँ पे फिट करने के लिए मतलब जो यहाँ पे एक पत्ती ले रहा हूँ, यहाँ पे लोहे की शीट की मैंने जो एक पत्ती बना ली है, तो अभी हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे एंड जो यहाँ पे दोनों साइड में एक एक स्क्रू टाइट करके इसको फिट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे लगा लेते हैं स्क्रू से। फाइनली ये गई हमारा पावरफुल वाटर पंप बन के कम्प्लीट हो चुका है, जिसकी गई जो मोटर है वो हमने खुद गई जो वाइंडिंग करी हुई है, ठीक है। तो काफी ज्यादा पावरफुल ये जो है वाटर पंप बन के कम्प्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे गई जो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे वायर्स भी लगा दिए, तो चलो अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते कितना तेज ये पानी का प्रेशर फेंकता है, कितना तेज पानी आता है, चलो देखते हैं। गई आपको जो है इस वाटर पंप को टेस्ट करा के दिखाने के लिए, इसका जो प्रेशर है वो दिखाने के लिए यहाँ पे गई जो मैं छत पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे टब के अंदर मैंने पानी भी भर दिया है, तो फुल पानी भर दिया एंड यहाँ पे पाइप भी लगा दी ताकि जो थोड़ा दूर करके पानी हम फेंक सके, क्योंकि कैसे अगर हम यहाँ से ही फेंकेंगे तो यहाँ पे मोटर के अंदर जो पानी जो जाने का चांस हो सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक पाइप लगा दिया, ठीक है। तो चलो अभी जो है इसको ऑन करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रेशर, मतलब जो इसका जो मोटर का जो स्पीड है वो कितना ज्यादा तेज है। तो चलो अभी हम गैस इस पंप को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ इसका जैसे ही ऑन, तो गाइस मैंने इसका जो स्विच है वो ऑन कर दिया। तो चलो अभी गाइस मैं इस पंप को डालता हूँ पानी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रेशर। देख सकते हो गाइस जो यहाँ पे पानी आ चुका है एंड देख सकते हो यहाँ पे इसका प्रेशर कितना तेज आ रहा है, यहाँ पे जो है काफी दूर तक जो पानी यहाँ पे जा रहा है, देख सकते हो। एंड काफी जो मस्त यहाँ पे हमारा वाटर पंप वर्क कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी गाइस जो आपने इस वाटर पंप का प्रेशर देखा एंड गाइस जो प्रेशर सच में काफी ज्यादा कमाल का, क्योंकि हमने इसकी जो वाइंडिंग है वो खुद करी है एंड मोटर को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया। तो अगर आप जो है खराब मोटर को जो है वाइंडिंग को दोबारा करना चाहते हो एंड काफी पावरफुल बनाना चाहते हो 555 मोटर को, तो फिर आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड चैनल पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। एंड काफी मस्त यहाँ पे हमारा वाटर पंप वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको आज की वीडियो के अंदर अगर जरा सा भी मजा आया तो लाइक कर देना एंड जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आने वाले मस्त मस्त वीडियोज देखने के लिए। एंड अगर आपको ये वाटर पंप अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। एंड काफी मस्त है एंड यहाँ पे जो है काफी दूर दूर तक इसने जो है चीकड़ कर दिया पानी से, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पानी पानी बिखेर दिया इस वाटर पंप ने, इतना ज्यादा प्रेशर है इसका, तो काफी मस्त वर्क कर रहा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ जल्दी आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।